हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉमेट के 2022 की काउंसलिंग तुम्हें कैसे करनी है। हर एक इम्पोर्टेंट चीज पे मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक बात पहले समझ लो कि पहले कॉमेट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी हुआ करती थी 5,000 रुपीज, जो कि अभी जाके 2,000 रुपीज हो चुकी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सपोज तुमने काउंसलिंग फी दे के काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड किया, उसके बाद सबसे पहले होगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स में तुमसे मांगे जाएंगे क्या क्या, देखो एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। आईडी प्रूफ तुम क्या है कि पैन कार्ड भी दे सकते हो, पासपोर्ट भी दे सकते हो, डीएल भी दे सकते हो। उसके बाद एक आपको ऐसा आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे, उसके बाद क्लास 12 की मार्क्स कार्ड, और उसके बाद सीबीएसई के जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 कंप्लीट किए हैं, उनके लिए चाहिए होगा एडमिट कार्ड तुम्हारा। तो दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्क्रीन पे और वहां एक एक करके तुम्हें चीजों को मैं समझाता हूँ। तो इस प्रकार का तुम्हारा आएगा काउंसलिंग का, और हमें फोकस करना है राउंड वन पे। राउंड वन की बात समझो, एलिजिबल ओनली इफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड इज सक्सेसफुली अप्रूव्ड। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग के लिए कोई एक ऑप्शन नहीं है, तुम जितने चाहो उतने चॉइसेस डाल सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हें सेव पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्या है, प्रीव्यू कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद चाहो तो तुम उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हारा होता है मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट कहने का मतलब है, इसमें एक अंदाज़ा लगाया जाता है, प्रिडिक्शन की जाती है कि आपके रैंक के हिसाब से आपने जो जो चॉइसेस फिल की हैं उनमें से कौन सी ब्रांच आपको मिल रही होंगी। कई बार भाई ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, इसलिए इसमें बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर तुम चाहो तो मॉक रिजल्ट के बेसिस पे फिर से अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद राउंड वन का तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और राउंड वन के रिजल्ट आने के बाद तुम उस पर डिसीजन ले सकते हो कि उसमें तुम्हें एक्सेप्ट और फ्रीज करना है, एक्सेप्ट या अपग्रेड करना है, या रिजेक्ट अपग्रेड करना है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इसको समझो। इसमें काफ़ी बच्चों को क्या है, प्रॉब्लम होती है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटमेंट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है आप फर्स्ट राउंड में जो प्रेफरेंस आपने दिया था, आपको उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग सीट मिल गई है, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो एक्सेप्ट और फ्रीज कर लो, और उसके बदले में आपको 55,000 रुपीज़ एडिशनल पे करना होगा फ्रीज करने के लिए अपने सीट को। अगर तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे जाते हो तो इसका मतलब तुमने उस सीट को तो एक्सेप्ट कर लिया, तुम कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हो कि चलो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इसको लेके आगे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तुमको लग रहा है कि इससे अच्छा मुझे मिल सकता है, तो ये सीट तो मैं रख लेता हूँ और फर्दर राउंड में देखता हूँ, अगर इससे अच्छा मुझे कुछ मिल जाएगा तो वो तो मुझे ब्रांच मिल जानी है, अगर उससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा तो ये ब्रांच जो अभी तुम्हें मिली है वो तुम्हारे साथ रह जाएगी। और रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब है कि नहीं, मुझे ये ब्रांच तो एकदम ही नहीं पसंद है, तो इसको मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फर्दर राउंड के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब है कि मुझे ये जो सीट मिली है वो पसंद नहीं है, मेरा मूड बदल गया है, मुझे कोई और कॉलेज चाहिए, मैं किसी और कॉलेज के लिए देखता हूँ, तो उस समय तुम काउंसलिंग से क्या है, विड्रॉ कर जाते हो। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर तुम इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अगर राउंड वन और राउंड टू में तुम क्या है विड्रॉ करते हो, तो जो तुम फी पे करते हो वो फ़ी तुम्हारी वापस हो जाती है। लेकिन अगर राउंड टू के बाद तुम कुछ ऐसे एक्शन लेते हो तो उस केस में तुमने जो भी फी डिपॉजिट की है वो तुम्हारी रिटर्न नहीं होगी। तो देखो भाई, कहीं से किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, काफ़ी आसान है। कई लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम 12 के स्टूडेंट हो, तुम्हें इंग्लिश आती है और तुम जानते हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, फिर भी तुम्हें डाउट होता है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और किसी प्रकार का भाई काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हो, क्योंकि ऐसे काउंसलिंग्स में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कम से कम ऐसे पॉइंट पे तुम्हें लगता है कि जहाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए, या मेरा मामला गड़बड़ हो सकता है, तो तुम हमसे काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी क्या है मैसेज कर सकते हो भाई। आज से ये नहीं, खुद मैं कॉमेंट के थ्रू मैंने इंजीनियरिंग की है, और
कॉमेंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग करने के बाद पूरी प्रोसेस काउंसलिंग वगैरह मैंने खुद अटेंड की है, तो मैं तुम्हें एकदम अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना रत्नों का ध्यान रखिए।